जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। बयाना प्रशासन द्वारा लोगों को ताऊते तूफान से सुरक्षित रहने की अपील। चक्रवर्ती तूफान ताऊते को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी। साइक्लोन की आहट से बयाना प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपखंड अधिकारी सुनील आर्या द्वारा लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। उपखंड प्रशासन द्वारा लोगों से अपील कर बताया गया कि मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार 18 से 20 मई तक बयाना में चक्रवर्ती तेज हवाएं एवं भारी बारिश होने की संभावना है, अतः उपखंड क्षेत्र के निवासी निम्न सावधानियां बरते। उन्होंने ऐसे में सभी समाजसेवी संस्थाओं एवं सरकारी डिपार्टमेंटों के सभी कर्मचारियों से अपील की कि ऐसे में सभी मिलजुल कर इस ताऊते नामक चक्रवर्ती तूफान से निपटने के लिए तैयार रहें। ताऊते तूफान को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश अनुसार हमने यहाँ पर सिलेंडरों की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। लगभग 45 सिलेंडर हमारे पास हैं, जो करीबन 10 सिलेंडर टूट के आदेश दिए गए हैं, 10 सिलेंडर डिपो से हमें मंगाए हैं। बाकी पावर बैकअप का भी पूरा सिस्टम है, जनरेटर को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। पूरे स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा है, सभी को मोबाइल स्विच ऑफ न करने के आदेश दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर व्यवस्था है स्विच ऑफ की, अभी जो मौसम विभाग से डायरेक्शन है उसके अनुसार जो अभी तूफान के ताऊते के आने का है उसका राजस्थान में आज 18 की शाम से प्रवेश है और अपने यहाँ भी लगभग रात तक या सुबह तक कुछ प्रभाव उसका आ सकता है। उसकी भयानकता को देखते हुए अभी हमने एक तो कोविड हॉस्पिटल पे पावर बैकअप की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अतिरिक्त व्यवस्था अभी हम करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को अपनी टीम के साथ में पाबंद किया गया है ताकि कहीं भी बिजली की यदि आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसको शीघ्र उसको प्रारंभ किया जा सके। पीएचडी विभाग को भी पाबंद किया गया है ताकि कहीं भी अगर पेयजल आपूर्ति की समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सके या टैंकरों से अन्य से आपूर्ति की जा सके। पंचायत समिति और नगरपालिका दोनों को कुछ जेसीबी और अन्य संसाधनों को स्टैंड बाई मोड पर रखने के लिए निर्देशित किया है ताकि कहीं भी पेड़ गिरने से या अन्य किसी कारण से कोई रास्ते में रुकावट या अन्य कोई व्यवधान आता है तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। अभी सभी डिपार्टमेंट और जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को आगामी 3 दिवस तक अपने मुख्यालयों पर बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने को पाबंद किया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से हम उसका समाधान कर सकें।